बाय सिल्विया प्लेथ, पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर जरूर देना है। मिरर 1961 इज अ पावरफुल पोएम बाय सिल्विया प्लेथ। शी इज एन अमेरिकन पोएटिस। द पोएम वॉज कंपोज्ड जस्ट आफ्टर हर 29th बर्थडे। ठीक है, द पोएटिस हैड गिवन बर्थ टू द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेडा। तो उम्र हो गया था 29 साल, एक बेटी को जन्म दे दी है, तब ये कविता लिखी है। देखिए क्या लिखती है, मिरर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। तो मिरर, आईना जो है ना, उसको पुरुष का, आदमी का रूप दे दिया गया है। तो मिरर और जो आईना जो है वे बोल रहा है, क्या बोलता है, लाइक अ ह्यूमन बींग की तरफ, आदमी की तरफ बोलता है। क्या बोलता है, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। तो आईना के पीछे देखिएगा, पेंटिंग डाता है सिल्वर एंड एग्जैक्ट। ठीक है, तो पक्का बताते हैं, आई हैव नो प्री कंसेप्शंस, हम कोई गलत फहमी हम नहीं देते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं। वट एवर आई सी आई स्वॉलो इमीडिएटली, और जो भी देखते हैं उसको हम निगल जाते हैं तुरंत। आई एम नॉट क्रूअल, कठोर नहीं है, ओनली ट्रूथ, हम सच बोलते हैं। मिरर गिव्स अ ट्रूथफुल पिक्चर ऑफ अ पर्सन, आईना जो एकदम सच्चा तस्वीर देता है। इफ द फेस इज, पन्ना उल्टेंगे, पेज इज, ठीक है विकास देखो बेटा, द फेस इज ब्यूटिफुल, द मिरर रिफ्लेक्ट्स अ ब्यूटिफुल फेस। इफ द फेस इज अगली, द मिरर रिफ्लेक्ट्स एन अगली फेस। यदि फेस अगली है, क्रूप है, तो आईना क्रूप दिखाएगा, सुंदर है तो सुंदर दिखाएगा। अब देखिए, इन द सेकेंड स्टैंजा, द फियर ऑफ ओल्ड एज, डेथ एंड डिके हॉन्ट्स द पोएटिस। अब देखिए, जवानी में तो अपना वो पिक्चर देखने में उसको ठीक लगा, लेकिन बुढ़ापे में वो डर जाती है, मौत से डरती है, और मौत के बाद जो क्या कहते हैं, जो शरीर सड़ने लगता है उससे डरती है। तो वन टाइम ब्यूटिफुल फेस ऑफ अ गर्ल बिकम्स अगली, एक सुंदर लड़की का चेहरा भी उम्र के साथ कुरूप हो जाता है। लाइक अ टेरेबल फिश, वो कंपेरिजन क्या करती है, भयंकर मछली की तरह, मछली जो सड़ जाती है उस तरह का हो जाता है। इन यंग एज द पोएटिस राइट्स, और जवानी में भी एक कवित्री लिखती है, आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग ओल्डर, कहता है हमको उम्र होने में, बूढ़ा होने में डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग मैरिड, मुझे शादी करने में भी डर लगता है, बहुत लड़कियों को लगता है, डर होता है उसको भी। लेकिन ये कभी भी क्या है ना, वो लोग खुलकर कह देती है बात को, दिल की बात को ये कह देती है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू कुक 3 मील्स अ डे, वो दिन भर में 3 बार खाना नहीं पकाना चाहती, बहुत लड़की ऐसी होती है, लेकिन ये लिख देती है। शी डिड नॉट वॉन्ट अ रूटीन लाइफ, और रूटीन लाइफ वो नहीं चाहती थी। शी वॉज अ, पेज 3 में हम आ रहे हैं, शी वॉज अ, थैंक यू विकास, शी वॉज अ मिसफिट, माने पारिवारिक जीवन के लिए वो फिट नहीं थी, एज अ वाइफ, वाइफ की तरह फिट नहीं थी, माँ की तरह फिट नहीं थी, और क्या की बेचारी, शी कमिटेड सुइसाइड, अंत में वो आत्महत्या कर ली, बहुत गलत काम की है, बहुत गलत काम की है। सिल्विया प्लेथ प्लेथ एटीट्यूड टुवर्ड्स ओल्ड एज इज डेंजरस, वो जो बुढ़ापे में जो देखती है ना, बड़ा खतरनाक है, हम 80 साल के हो गए तो क्या हम रोने लगेंगे, नॉट एट ऑल। ओल्ड एज इज राइपनेस, बुढ़ापा क्या है, परिपक्व है, पकना हो गया। वॉट वी कैनॉट इन्जॉय इन यंग एज, वी कैन इन्जॉय इन ओल्ड एज, तो जवानी में जो आनंद ले नहीं लेते हैं, वो बुढ़ापे में ले सकते हैं। वी कैन इन्जॉय द लव ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, पोता पोती उसका आनंद है, तो गोद में खिलाइए, प्यार कीजिए। एंड ओल्ड मैन कैन एडवाइज यंग पीपल, और बूढ़े लोग जवान को सलाह दे सकते हैं, ये गलती मत करो, ऐसे करो, ठीक है। बिसाइड द बॉडी, मैन एंड वीमेन हैव माइंड, खाली शरीर ही नहीं ना है, आईना तो खाली शरीर देखता है, लेकिन दिमाग देख आदमी को है, वह मैन माइंड है हम लोग। थ्रू द माइंड वी कैन डू ग्रेट डीड्स, और दिमाग से हम लोग बड़ी 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 कामें कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म चैरिटी एंड राइट गुड ग्रेट बुक्स, हम लोग दया कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताब लिख सकते हैं। सिल्विया प्लेथ वॉज अ डिस्टर्ब्ड वुमेन, ये औरत क्या थी, डिस्टर्ब थी। शी फेल्ट सेक्सुअल सफरिंग एंड मैटरनल एग्जॉशन, देखिए सेक्स लाइफ भी उसका आनंददायक नहीं था, और बच्चों को भी वो बढ़िया से पाल पोस नहीं सकी, तो उसका दुखद जीवन, इसीलिए इस राय कब आईना लिखी है। तो 3, 4 हम आ रहे हैं, थैंक यू विकास। मोस्ट वीमेन इंजॉय मैरिड लाइफ एंड मदरहुड, अधिकतर औरत को तो मैरिड लाइफ में आनंद आता है, माँ बनने में आनंद आता है, लेकिन सिल्विया प्लेथ में ऐसा नहीं था। अब देखिए हम 4A में आ रहे हैं, 4A में देखिए ध्यान दीजिए क्या देते हैं, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं 4A में। करेक्ट एटीट्यूड टू लाइफ इज नेसेसरी फॉर ए हैप्पी लाइफ,
जीवन के प्रति सही नजरिया होना चाहिए, तब आनंददायक जीवन होगा। सिल्विया प्लैथ बिकॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ फॉर्म्ड अ रॉन्ग एटीट्यूड टू लाइफ। उसको शादीशुदा जीवन आनंददायक नहीं था, इसीलिए वो लाइफ के प्रति गलत स्वामी कर ली। शी कमिटेड सुसाइड कर ली। ओल्ड एज इज द पीरियड ऑफ संन्यास, हम लोग हिंदी वर्ड यूज कर संन्यास कर सकते हैं। इन ओल्ड एज पीपल कैन रेस्ट मेडिटेट एंड डू गुड डीड्स। बुढ़ापे में लोग आराम ले सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ओल्ड एज शुड बी अ ब्यूटिफुल सनसेट। बुढ़ापा जो है ना, एक सुंदर सूर्यास्त होना चाहिए सनसेट। यू शुड नॉट कंसिडर ओल्ड एज अ टेरिबल फिश। और उसको बुढ़ापे को एक भयंकर मछली नहीं समझना चाहिए, जो सिल्विया प्लैथ समझती है। द रॉन्ग एटीट्यूड लाइफ गिव सिल्विया प्लैथ मच पेन एंड प्री मेच्योर डेथ। और गलत नजरिया जो उसको जिंदगी में था, उसके कारण उसको बहुत कष्ट हुआ और अकाल मृत्यु भी बेचारी हो गई। अब देखिए हमारे वही फोरे में, अब देखिए, आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्टेंट लेट अस डिस्कस द स्टाइल ऑफ मिरर। तो पोइट्री में भी यही होना चाहिए, पहले कॉन्टेंट कह दीजिए तब स्टाइल को डिस्कस किया। हम लोग स्टाइल को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टू स्टैंजा पोएम। स्टाइल में छोटी कविता है, दो स्टैंजा है उसमें। ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन। हर स्टैंजा में 9 लाइन है। द लाइन्स आर इन फ्री वर्स। अब देखिए फ्री इंपॉर्टेंट समझिए, फ्री वर्स। दिस मीन्स दैट द लाइन्स डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर राइम और रिदम। कोई खास तुकबंदी नहीं है, जो जैसे अलेक्जेंडर पो सब में पुरानी कविताओं में तुकबंदी होता है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जिल हिल, वो सब नहीं है। द पोएम गेट्स इज म्यूजिक थ्रू द यूज ऑफ एलिटरेशन एंड एसोनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इससे इसमें संगीत आता है। जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, तो क्या ए ए ए रिपीट हो रहा है और एस भी रिपीट हो रहा है क्या? वॉट एवर आई सी आई सॉलो इमीडिएटली। एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, ठीक है, एल एल यहाँ पर है। तो क्या एलिटरेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, जैसे एस हो रहा है रिपीट, एल हो रहा है। द कॉन्सोनेंट एस एंड एल। अब हम चले आएंगे पेज, हाँ थैंक यू विकास, हम जब आ गए पेज 5 में आ गए। कॉन्सोनेंट एल एंड एस हैव बीन रिपीटेड, तो जो रिपीट हुआ उसको कर दीजिए रिपीट हो गया। एसोनेंस मीन्स रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड। और एसोनेंस में क्या वावल रिपीट होता है, वावल्स ए हैज़ बीन रिपीटेड, तो बता दिए, ठीक है। अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, इन कॉन्टेंट एंड स्टाइल मिरर इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएट्री। तो आजकल की कविताएँ जो लिखी जाती हैं उसका एक अच्छा नमूना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और विकास आपको क्या देना है, देखिए आपको क्या करना है, देखिए यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो तो कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए किसमें, व्हाट्सएप नंबर में 8210297332। ये मेरा नंबर है, रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा, और मेरा हेल्पर मेरा विद्यार्थी बहुत अच्छा ईमानदार लड़का है विकास, उसका नंबर है 8434291664। तो टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उसके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम 8434291664। वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टीबी पेशेंट खेदन ऑन द नंबर गिवन अबव। तो नंबर गिवन अबव यही वाला है। थैंक यू वेरी मच विकास एंड थैंक यू एवरीबॉडी।